No, sir. Thank you. Leo. ये मत सोचना कि तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी हिस्ट्री जानते नहीं है तो मेरे शरीर में चमड़ी कम ढांके जाता है। ये 1.5 इंच का गोली से मैं मरने वाला नहीं। मुझे मारने के लिए मिसाइल चलाना होगा। मिसाइल? तुझे पता मुझ पर हमला क्यों हुआ? नहीं सर। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तू और मैं मिले। सर मुझे शक है कि गौरी ने आपकी सुपारी दी। कौन कौन है घर में? अकेला हूं सर। मैं शादी कर ले। घर है? नो सर। मुंबई में बिना घर के कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी नहीं देगा। हाय पीसी सर, एक फ्लैट इसको दे दे रहे। सर नहीं सर। अरे मैं दे रहा हूं, लेकिन ये रिश्वत। रिश्वत नहीं है, ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत इल्लीगल कामों के लिए दी जाती है। मैं इल्लीगली लीगल काम करता हूं, लीगली इल्लीगल काम नहीं। ये दोनों में फर्क है, तू नहीं समझेगा। शहीद होने के बाद ही एक काबिल अफसर पे गवर्नमेंट का नजर पड़ता है, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ अलग है, डिफरेंट स्टाइल। देश के लिए तुमने मेरा जान बचाया, इसलिए मैं तुमको गवर्नमेंट कोटा से एक फ्लैट देता हूं। मिलते रहना शिव नारायण, नाम अच्छा है तुम्हारा। इसी बहाने शिव और नारायण दोनों नाम मेरे मुंह पे आते रहेंगे। इल्लीगली लीगल और लीगली इल्लीगल में फर्क मालूम पड़ा? नहीं सर। कुछ नहीं, जोक मारा। इलीगली लीगल और लीगली इलीगल में अंतर क्या होता है सर? लीगली इलीगल और इलीगली लीगल क्या होता है? सरजे राव जी का जोक है। सरजे राव? वो तुझे एक फ्लैट दे रहा है और तू खुश हो रहा है। वो तुझे गवर्नमेंट कोटा से दे रहा है, अपने जेब से निकाल कर नहीं, तो उसका एहसान मंद होने की कोई जरूरत नहीं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलना। सर लोग उनके बारे में जो भी कहें, मेरा मन कहता है कि वो बहुत साफ सुथरे आदमी है। अपना अपना नजरिया है शिव। देख तू खुश है ना, तो मैं खुश हूं। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, दिल करता है पूरी रात पीऊं। अब तेरी शादी भी हो जाएगी ना, तो ये सब बंद हो जाएगा ना। लेकिन ये फ्लैट किसका है? काबिल ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्व कोटा रखा है, उसी में से सरजे राव जी ने मुझे ये मंजूर किया। सरजे राव मिनिस्टर? अरे उनकी डोनेशन से तो हमारे हॉस्पिटल में गरीबों का फ्री इलाज होता है। पर वो तुम्हें कैसे जानते हैं? सरजे राव जी आप ही की बात चल रही थी। उम्मीद करता हूँ थोड़ी अच्छी। मेरी मंगेतर को आपका दिया हुआ फ्लैट बहुत अच्छा लगा सर। मंगेतर? हाँ सर, नाम भारती। बात कर रहा हूँ ना। वन सेकंड सर। हेलो सर, मैं डॉक्टर भारती। थैंक यू सो वेरी मच। अरे थैंक्स किस बात का? अरे किसके लिए? मतलब आपने शिव को फ्लैट दिया, और हाँ आप पहले गेस्ट हैं जिन्हें मैं हमारी शादी के लिए इनवाइट कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर पहला गिफ्ट भी मैं दूंगा। हाँ, और गिफ्ट मैं आप ही के हाथ से लूंगी, इसलिए आपको शादी में जरूर आना है। अरे डॉक्टर की बात को टाल कर मरना है क्या? जरूर आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच सर।
ठीक है सर, मैं अभी पता करता हूँ। हे शिव सर। हाय हाय, वेलकम होम सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो तुम्हारे घर का तो हो गया। महादेव, भारती के पेरेंट्स से शादी के बारे में अब तुम खुद जाके बात कर लेना। शिव को तो बात करनी ही नहीं आती, भारती ने मुझे सब बता दिया है। सिर्फ उनके सवालों का जवाब दे रहा था बस। जवाब दे रहे थे या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे? हेलो, वो तेरा बॉस कहाँ है? सर मेरा बॉस? हाँ, बॉस ले, उसको बोलो फौरन आकर मिले, और साथ में तुम भी आना। जी सर। सर सरजेराव जी ने बुलाया आपको। क्यों? पता नहीं सर, बस फौरन आने को कहा है। जूते अच्छे हैं। इंपोर्टेड है सर। बाहर उतार के आओ तो शायद और अच्छे लगे। ये बजाज का क्या है? कौन बजाज सर? बिल्डर बजाज। शायद तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे बॉस को तो पता है। तुम्हारे बॉस को वो कम चीनी वाली चाय है और इसको तो ज्यादा मीठा खाने की आदत है, वो भी दवाई का मीठा है। मेरे बिल्डर दोस्त बजाज को तुम्हारा दोस्त धमकी दे रहा है। दोस्त गौरी, मोहम्मद गौरी, तुम्हारे बॉस को पता है मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे जानता है, जानता है, जानता है। तुम्हारे बॉस को बोलो गौरी को बोले आज शाम 5 बजे तक मेरे दोस्त को फोन लगाकर माफी मांगो, नहीं तो मैं फोन भी नहीं करेगा।